नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर, बाल बाल बचे ट्रक चालक। संजीव कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र स्थानीय विंडमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलेनडुबा राष्ट्रीय रीवा रांची मार्ग NH 75 पर बने गड्ढे को बचाने में दो ट्रक आमने सामने टकरा गए, जिसमें बाल बाल बचा ट्रक चालक। यह घटना लगभग 11:30 बजे रात्रि को हुई। दोनों ट्रक की आमने सामने की टक्कर होने से जोर से आवाज आई तो अगल बगल के ग्रामीणों ने दौड़कर किसी तरह ट्रक में फंसे चालक को बाहर निकाला। ट्रक चालक स्वस्थ है, किसी तरह के नुकसान नहीं हुआ है। ट्रक चालक नसरुद्दीन अंसारी ने बताया कि CG15AC7427 अपनी गाड़ी को रेणुकूट से लेकर टाटा जमशेदपुर जा रहे थे और इसी दौरान 11:30 बजे NH 75 राष्ट्रीय रीवा रांची मार्ग पर बने गड्ढे से बचाने में गाड़ी अनबैलेंस हो गई, जिसकी वजह से सामने से आ रहे ट्रक में जा टकराई, जिससे मेरी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी गाड़ी चालक नाजिम ने बताया कि ट्रक नंबर UP KIS BN0877 गाड़ी लेकर विंडमगंज से वाराणसी जा रहे थे कि NH 75 पर बने गड्ढे से बचाने में सामने से आ रही ट्रक में जा टकराई, जिससे मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के द्वारा जो कर्मचारी PWD के हैं, उनकी घोर लापरवाही के कारण सड़कों पर हादसा हमेशा होते जा रहे हैं और दुर्घटना बनने की संभावना बनी हुई रहती है। जबकि 1 महीने पूर्व इसी गड्ढे में PWD के कर्मचारी के द्वारा केवल मिट्टी डाली गई थी, उसको ग्रामीणों ने भी मना किया, लेकिन फिर भी मिट्टी ला करके डाली और चले गए। फिर मिट्टी गाड़ी के टायर के ऊपर उड़ चुका है और फिर दोबारा गड्ढा वैसा का वैसा ही हो गया। गड्ढे में कोलतार गिट्टी मिक्स करके नहीं डाले गए थे, इसकी वजह से गड्ढा फिर वैसा ही बना रह गया। फिर हादसा दिन पर दिन होते जा रहे हैं। इस गड्ढे की एक वजह से बाइक वाले और छोटी कारों के एक्सीडेंट दिन पर दिन होते रहते हैं। इस गड्ढे को लेकर की खबर भी चलाई गई थी, लेकिन शासन प्रशासन और उच्च अधिकारियों को इस गड्ढे पर किसी का भी ध्यान नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नसरुद्दीन अंसारी नाम है। कितने बजे घटना हुआ है? 11:30 बजे। 11:30 बजे? हाँ, आया तो प्रशासन आया था। ये वो जो गड्ढा है ना, गड्ढे की वजह से वो गाड़ी दाहिने चला गया। हम जिस वजह की बात कर, हम बाएं जाते तो हम फ्रंट में जाते हैं, इसलिए मैं ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक किया तो वो रगड़ मारते हुए खींचते हुए चला गया। ये गाड़ी और पीछे गाड़ी खड़ी है जो दिखाया थे, वो गाड़ी दोनों आपस में टकराई है, जो गड्ढे की वजह से, जो कि बीच में गड्ढा में मिट्टी डाल के PWD वाले चले गए, उसको पाने मना करने के बाद चला गया। आइए भाई, आप ही डर रहे हैं। ये कैसा हुआ घटना? ये घटना का गड्ढा बचाने के चक्कर में ये गड्ढा बचा रहे थे। हाँ। हमने गाड़ी हमारी दोस्त आ रही थी, उन्होंने गड्ढा इधर कुछ यानी साइड से गड्ढा बचाया। हाँ। हमारी गाड़ी में पीछे बाड़ी मार के लगी। मैंने जो भी एक्सीडेंट हुआ केवल गड्ढे की वजह से हुआ, गड्ढे की वजह से हुआ ये पता ना, धड़ाम धनी आवाज़ आई थी इस गाड़ी में जब ये गड्ढे के पास में आई थी। अब ये पता ना इसकी टायर टूटी है या टायर फटा था कोई अगला, ये पता ना। मेरी गाड़ी जाने को भैया, मैंने गाड़ी पूरी बचाने के बाद चक्कर में पूरी कच्चे लोग आते यहाँ तक। लोग कहाँ सारे थे? विंडमगंज जा रहे। गाना कहाँ पर है? दोस्तों, इस तरह से सड़कों पर हादसा होते जा रहा है दिन पर दिन, और इस पर शासन प्रशासन और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और गाड़ी वाले तो टैक्स भी दे रहे हैं, बिना कभी पैसा भर रहे हैं, हर चीज़ का भर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो दुर्दशा यही बना रह रहा है। आजकल हर गाड़ी वाला तो नज़र में ही डालना चाहता हूँ। यहाँ PWD के वर्कर सारे लोगों को नज़र दिया है, हर मल्टी के तौर पर गाड़ी लेकर के घूमते हैं। और किसी गड्ढे से इनको कोई तालीफ नहीं है, और किस वाले से बीच में कभी भी गड्ढे में इनको मिट्टी डाल के अंदर चला जा रहा है। मिट्टी डाले थे उनको नहीं होता, नहीं डाली जाएगी तब तक ये नहीं हो सकता। अभी दिन पहले इसमें मच्छी डाल के चला गया, मैं इसका खबर भी चलाया। मैं जो कर्मचारी थे उनको कहा कि इसमें मिट्टी डालेंगे, हफ्ता दिन में ये टायर के द्वारा उड़ जाएगा, इसमें जब तक कुलदार और मिट्टी नहीं डालेंगे तब तो वो काम बंद करके चला गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये उनकी लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही समझ लें या PWD वर्करों की लापरवाही समझ लें, ये लापरवाही है। दोस्तों, इस तरह से सरकार को दिखाने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी जनता लोग परेशान हैं, और इसको
इस परेशानी को पूरा जनता ही झेल रहा है। बाइक वाला भी गिर जा रहा है, कार वाला भी एक्सीडेंट कर दे रहा है, ट्रक वाले भी अपने में भिड़ जा रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। प्रभात मेडिकल सेंटर, एन एडवांस्ड कार्डियक सेंटर, नियर काली मंदिर, मेन रोड गढ़वा, सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी सर्विसेज, ईसीजी, टीएमटी 24 हॉल्टर मॉनिटरिंग, एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी, 2D 3D echocardiography, ambulatory BP monitoring, ICD, CRT implantation, temporary and permanent pacemaker implantation. Dr. Kumar Pankaj Prabhat, MBBS, Gold Medalist, MD Medicine, DM Cardiology, Consultant Interventional Cardiologist. Dr. Ruby Prabhat, MBBS Honors, MD Biochemistry, Assistant Professor of Biochemistry, LCMCH. Contact number 6200136497.